पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद मुरादाबाद में लगभग 1000 निर्यातकों ने मिलकर अपनी अपनी फैक्ट्रियों में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सभी ने भारत सरकार से मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की। आतंकी हमले के बाद पूरा देश शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं इस दर्द को पूरा देश झेल रहा है। सभी इस दर्द को अपने अपने अंदाज में बयां कर रहे हैं। वहीं मुरादाबाद में भी यही दर्द निर्यातकों ने महसूस किया। पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए मुरादाबाद में लगभग 1000 निर्यातकों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियों में कर्मचारियों के साथ मिलकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। एक जगह एकत्रित होकर श्रद्धांजलि देने वाले निर्यातकों ने सरकार से अपील की कि जल्द ही दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक कर शहीद हुए जवानों का बदला लेकर उनके 4000 आतंकी मारे जाएं। वहीं पाकिस्तान पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कायराना हरकत है जिसका सभी विरोध करते हैं। कि कल पुलवामा में जो ये नरसंहार हुआ है, जो आतंकवादियों ने किया है, इसकी मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सचिव व समस्त निर्यातकों की ओर से व संगठन की ओर से मैं कड़ी निंदा करता हूं। और हमने ये आह्वान किया है कि आज 11 बजे या इसके बाद सब लोग अपनी सहूलियत के अनुसार अपनी फैक्ट्रियों में दो दो मिनट का मौन रखें व राष्ट्रीय गान गाएँ, ताकि हम उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें कि हम लोग उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में, पूरा देश उनके साथ है। मुरादाबाद में ऐसे कितने निर्यातक होंगे जो इसमें शामिल होने वाले हैं, जो शामिल हुए हैं? सब मुरादाबाद के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे निर्यातक इस दुख की घड़ी में अपने वीरों के साथ हैं, तन से, मन से, धन से। इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है किसी प्रकार का भी, किसी संस्था का नहीं है, किसी कार्यकारिणी का नहीं है। हम सब भारत के नागरिक हैं और इसी तरीके से हम भारत के नागरिकों के नाते एक साथ हैं, एक सहयोग में अपने वीर जवानों के साथ। अच्छा, इसके प्रति क्या कदम उठाना चाहिए भारत सरकार को? कठोर कदम उठाना चाहिए, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। 40 के बदले 4000 मारने चाहिए, ताकि उन लोगों को पता हो सके कि एक आदमी के मरने का दुख क्या होता है, उसके परिवार वालों को क्या दुख होता है।